इट्स बर्गर टाइम। आज इसके बारे में बात करते हैं। सो हेलो, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप यू गाइस डूइंग वेल। एंड रिसेंटली बर्गर किंग ने दो नए बर्गर्स इंट्रोड्यूस करे हैं। तू कितना एक्साइटेड है? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। इन दो ज्यादा अच्छा नहीं होते बर्गर किंग के बर्गर्स मेरे हिसाब से। yes. भी एक्साइटेड हूं, बट आई एम अ वेरी ह्यूज बर्गर किंग का फैन, क्योंकि मुझे बर्गर किंग के मतलब जो मेन्यू है ना, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। सो आज हमने वो दो नए बर्गर्स मंगवाए हैं, मतलब चार बर्गर्स टोटल है न्यू किंग कलेक्शन के अंदर, बट दो पुराने हैं एंड दो नए हैं, एंड जो दो पुराने वाले थे वो हट चुके हैं। सो इट्स टाइम फॉर निंजा थोड़ी से डिंग 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 डिंग, इट्स टाइम फॉर बर्गर किंग 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 ओनली फॉर यू गाइस। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारे चैनल पे हर वो चीज़ जो आपने कहीं देखी भी नहीं होगी वो आपको यहाँ पर पहली बार तो देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। एंड अच्छा कंटेंट जो हमारी पूरी कोशिश रहती है हम बनाएं एंड आप लोगों को दिखाएं, ठीक है। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, ताकि हम और अच्छा काम कर सकें। एंड अगर कोई सजेशन है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम वहाँ इंप्रूव करेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल के अंदर एक सेगमेंट होता है जहाँ पर फैक्ट बताते हैं, अगर चैनल पर नए आए हो तो आपको पता नहीं होगा, तो अब यह फैक्ट टाइम, ये भाई साहब बताएंगे फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, ठीक है। तो जो बर्गर किंग है, इनके वर्ल्ड वाइड 13,000 लोकेशंस बन चुकी हैं ऑलरेडी। ये ऑलमोस्ट हर मेजर कंट्री में फैल चुके हैं, इतने बड़े बन चुके हैं बर्गर किंग। बट मैकडॉनल्ड्स से तब भी कम है। उसे हाँ, मैकडॉनल्ड्स से तब भी कम है, बट फिर भी अच्छा प्रोग्रेस किया उन्होंने इंडिया में भी स्पेशली। अच्छा, यहाँ इंडिया में भी आपको हर जगह दिख जाएंगे। एंड हमने आज क्या मंगवाया, कितने का, प्लीज इन लोगों को बता। हमने मंगवाया है, एक है पनीर रॉयल बर्गर एंड एक है हॉट एंड चीजी बर्गर। ये दोनों है 199 रुपीज के, तो ये एक्सपेंसिव साइड पे है आई थिंक। यस, बर्गर एक्सपेंसिव है। एंड मतलब जब भी हमने देखा था इनको तो थोड़े से गोरमे टाइप के भी लग रहे हैं, ठीक है। मतलब वैसे नॉर्मल आपका बन भी नहीं है एंड बर्गर्स भी नहीं है। तो अभी हम पहले जो टेस्ट करेंगे वो है हॉट एंड चीजी वाला, एंड देन वी गोना ट्राई पनीर रॉयल। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से ट्राई करते हैं हॉट एंड चीजी एंड देन पनीर रॉयल, ठीक है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट बर्गर हॉट एंड चीजी। तेरे को ये दोनों कॉम्बिनेशन कैसे लगते हैं? अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। चीज ऑफकोर्स अच्छा होता है, स्पाइसी चीजें भी मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। बट जैसा इन्होंने इमेज में दिखाया था वैसा हम देख चुके हैं, वैसा नहीं है उसमें तो चीज, मतलब यू नो लाइक कमिंग आउट ऑफ द बर्गर जैसे, पता नहीं क्या आ रहा हो बाहर, बट ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बट स्टिल वी गोना ट्राई दिस एंड हम देखेंगे इसका टेस्ट कैसा है। 200 रुपीस मुझे ठीक ठाक लगा, बट देखते हैं टेस्ट कैसा है। तो भाई साहब ये देखने में कैसा लग रहा है? ये अच्छा तो खैर नहीं लग रहा है, काफी बेसिक लग रहा है, स्पेशली 199 रुपीस के लिए तो बिल्कुल नहीं लग रहा। चीज तो इसमें दूर दूर तक नहीं दिख रहा, ठीक है, बट बन एकदम डिफरेंट है। एक इनोवेशन है वो, टच करके देखते हैं सॉफ्ट है। नहीं, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट बन है एंड डिफरेंट बन भी, आई थिंक मसाला बन है, राइट? या मसाला बन, उस पर लिखा था मसाला बन, तो बेसिकली इंडियन फ्लेवर जैसा यू नो डाला हुआ इसके अंदर बन वगैरह के अंदर। सब बर्गर है, देखने में वही नॉर्मल जैसा दिखता है। ओके, सो इट्स टेस्ट इज टाइम एंड अभी हम देखते हैं इस बर्गर की पहले तो खुशबू कैसी है। एक स्निफ टेस्ट है, ठीक है। ओहो नहीं, इसकी खुशबू तो अच्छी नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक ही है। मतलब जैसा एक प्रोसेस चीज वाली कोई पैटी के अंदर टेस्ट आता है, मैकेन की जो भी चीज वाली कोई भी चीज होती है, वैसे इसमें स्मेल आ रही जो अच्छी नहीं है। अच्छी तो बिल्कुल नहीं है, होपफुली टेस्टी हो। एंड सॉस भी ऐसा लग रहा है पहले देखी है, बट अभी हम ट्राई करते हैं एंड फिर बताएंगे टेस्ट का लग कैसा है। 200 का वर्थ इट है या नहीं है, लेट्स ट्राई दिस बर्गर। I don't understand that why do they even call this flavor cheese flavor? This is not even cheese. This is like some very processed kind of thing जो मिल्क से बनी हुई है। ये cheese, I don't know. ये हर चीज में cheese बोल के ये cheese क्यों डाल देते हैं? ये एक अजीब flavor है, ऐसा लगता है कि I don't know how to explain this. Yeah. एक अच्छा नहीं लगता खाने में ये flavor. एक जैसे थोड़ी सी you know खराब नहीं, but खराब हाँ वो flavor है। खराब से taste आता है, but खराब नहीं है। But talking about the bun itself, it's very good. हाँ वो बहुत अलग चीज है and tasty चीज है। जो तो अब तक का best bun है शायद। हाँ easily in किसी भी chain में। Indian fast food outlet से। Yes, मतलब अगर आपको buns पसंद है तो आपको ये bun जरूर। हाँ ये bun जरूर पसंद है। ये bun जरूर पसंद है, आना चाहिए, मतलब ये bun अच्छा है, ठीक है। Okay, so this is second burger and ये पनीर रॉयल बर्गर एंड दोनों के अंदर मैंने एक चीज देखी जो कॉमन है वो है सॉस, ठीक है, एंड टमेटोज, लेटिस एंड हैलेपिनोस। तो बस पैटी चेंज है, ठीक है, दोनों में, बाकी चीजें होती है वो सेम है। एंड इसका भी बन सेम है, इसके अंदर भी कुछ चेंजेस नहीं है, बट इसके अंदर एक बहुत ही मोटी एक अच्छी पैटी है जो लास्ट वाले में आई डोंट थिंक थी उसके अंदर। तो मतलब वो समझ नहीं आता था क्या पहली बात, तो वो पैटी भी नहीं है, पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता वो क्यों एग्जिस्ट करता है ये फ्लेवर भी, मतलब ये है क्या, क्यों है, वो चीज़ तो नहीं है। देखो ज्यादा चीज़ इंडिया में लोग पनीर समझते हैं, ठीक है, या फिर मोजरेला समझते हैं, या फिर कोई भी चीज़ जो स्ट्रेच करता है, एटलीस्ट पुट समथिंग इन दैट, बट ये क्या है ये चीज़? ये चीज़ ही नहीं, ऐसा टूट जाता है बाइट करते
ऐसे तो पोटेटोस खा रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट चीज पोटेटो ही है, उसके अंदर पोटेटोस थे, उसके अंदर चीज उन्होंने फ्लेवरिंग डाली हुई है, क्योंकि जब मैंने कट किया था तो अंदर आलू थे उसके, ठीक है, तो चीज ऐसी कोई चीज चीज थी फिर। ओके, सो ये ऐसा बर्गर है, इसका भी सेम बना है, बट इसके अंदर बहुत ही मोटी पनीर की पैटर्न, बट क्या मैक्स स्पाइसी पनीर के अंदर इससे बड़ी नहीं होती? इससे बड़ी होती है एंड इससे टेस्टी भी आई एम श्योर होती है। ओके, सो इट्स टेस्टेस टाइम एंड अभी हम खाएंगे पनीर रॉयल एंड देखो मतलब क्या लग रहा है, मतलब क्या लग रहा है कि होगा कैसा? मुझे तो अच्छा, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक ये होने वाला है, बस जो लास्ट वाला हमने खाया था फॉर्टीन चीज़ी वाला वो अच्छा नहीं था, आई डोंट हैव एक्सपेक्टेशंस फॉर दिस वन ईदर, बट मुझे बन बड़ा सही लगा। साइड इज़ एक चीज़ है, लेट्स ट्राई दिस न्यू बर्गर पनीर रॉयल, आ जा खा। ऐसा लग रहा है किसी ने कच्चा पनीर, मतलब कच्चा इन द सेंस कि मतलब जो सिर्फ व्हाइट वाला होता है ना, उसको कट करके एक बन के बीच में रख दिया। फ्लेवरलेस है बर्गर, सिर्फ और सिर्फ सॉस का रॉ पनीर का से बोला वैसा फ्लेवर आ रहा है, कुछ है ही नहीं उसमें। मैक्स स्पाइसी पनीर जो है वो बहुत टेस्टी बर्गर होता है, वो उसमें फ्लेवर भी है, इसमें फ्लेवर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये जो पनीर की पैटी है इसमें लाइक जीरो स्पाइसेस हैं एंड मुझे लगता है इंडिया में सबको मसाले पसंद है, इंडिया में हर बंदे को कुछ तो हो गया, तो ब्लैंड है यार, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, उससे ज्यादा मेरे को लगता है फ्लेवर तो इसके बन में है। एक्चुअली मसाला बन में, पैटी में नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हमें पता चला कि नई चीजें कभी कभी ज्यादा अच्छी नहीं होती, ऑलमोस्ट हमेशा ही अच्छी नहीं होती, हमेशा अच्छी नहीं होती, तो आपके पास जो पुरानी चीजें हैं तो उनमें खुश रहो एंड मजे करो, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड माय बडीज, ठीक है। तो आज हमें मजा आया भी एंड नहीं भी आया, ठीक है, मजा इसलिए कि हमने वीडियो बनाई, नहीं आया क्योंकि बर्गर का टेस्ट अच्छा नहीं था, बड़े एवरेज से थे, बिलो एवरेज ठीक है टाइप के थे। तो आज भाई साहब आप फिर से बता दो कि लोगों को जाने से पहले करना क्या, क्योंकि इनको पता है, इनको पता ही नहीं, तो पता ही नहीं इनको, पता होना चाहिए। आपने लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना है, फिर बेल आइकन दबाना है ताकि आपको नोटिफिकेशन आए एंड आप और ऐसी ऐसी वीडियो देख पाओ। यस, क्योंकि हमारे चैनल पर आती है हर चीज सबसे पहले, जैसे आज तक सबसे तेज, वैसे नॉम बॉम्ब सबसे पहले, पहले सबसे तेज एंड द हॉटेस्ट एंड द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल ऑन यूट्यूब, फास्टेस्ट ग्रोइंग बट बैकवर्ड्स, ठीक है। सो टिल दैट टाइम, हमारी वीडियो जब तक नेक्स्ट वाली वीडियो आती है, टिल दैट टाइम कीप नॉमिंग एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बिकॉज यही तो मजा है जिंदगी का। विल सी यू गाइस सून विद अ कूल वीडियो ऑन द चैनल, टिल दैट टाइम बाय।